बहुत सारी इजी रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन यानी घंटी को दबाना मत भूलिए। हेलो फूडाहोलिक्स, आज हम बना रहे हैं ब्रेड पिज्ज़ा। और ब्रेड पिज्ज़ा बच्चों को और एक्चुअली बड़ों को सबको बहुत टेस्टी लगता है। और आज हम ये ब्रेड पिज्ज़ा बनाएंगे तवा पर, गैस स्टोव पे बनाएंगे, हम ओवन में नहीं बनाएंगे। तो अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली ये रेसिपी तवा पर भी बना सकते हैं। और बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। तो अगर आपको ये डिश अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन यानी घंटी को दबाना मत भूलिएगा। तो जल्दी से हम रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पे 5 से 6 ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं। आप वाइट ब्रेड ले सकते हैं या फिर आप ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं। हमने यहाँ पे लिया है मोज़रेला चीज़, जिसको हमने कद्दूकस यानी ग्रेट करके रखा है 150 to 200 grams, 150 ग्राम से लेके 200 ग्राम तक। हमने यहाँ पे कैप्सिकम लिए, शिमला मिर्च मीडियम साइज के जो हमने काट के रखे है, टोमेटो टमाटर लिया एक मीडियम साइज का जो हमने काट के रखा है, प्याज लिए अनियन 1 medium जो हमने काट के रखी है, मटर हम इसमें 1 से 2 चम्मच के करीब यूज करेंगे, रेड चिली फ्लेक्स लिया हमने 1 teaspoon के करीब और जितना भी आप खाना चाहें, ओरिगैनो हमने लिया है ये भी स्वाद अनुसार जितना आप डालना चाहते हैं 1 teaspoon भी ले सकते हैं, और ड्राइड बेसिल हमने लिया है 1 teaspoon के करीब, ब्लैक पेपर हमने लिया है 1 pinch के करीब, 1 pinch ब्लैक पेपर मतलब काली मिर्च। हमने यहाँ पे ब्लैक सॉल्ट लिया है, काला नमक और चाट मसाला लिया है 1 pinch, 1 चुटकी भर दोनों। हमने केचप लिया है, टोमेटो केचप 2 बड़े चम्मच, 2 tablespoons। अब एक बॉल में हम जो हमने सब्जियां ली थी वो डाल देंगे, जैसे टमाटर मीडियम साइज, कैप्सिकम शिमला मिर्च 1 medium size जो हमने ली थी हमने वो डाल दिए, इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। फिर जो हमने प्याज ली थी 1 medium size काट के रखी थी उसको भी हमने डाल दिया है और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है सबको। अब देख सकते हैं कितना कलरफुल हो गया, इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसके अंदर हम 1 teaspoon, 1 चम्मच या 2 चम्मच के करीब ऑयल डाल देंगे। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं एक और बार। तब इसके अंदर हम थोड़ी सी चीज़ डाल देंगे, जो हमने मोज़रेला चीज़ ली थी 2 चम्मच के करीब, ग्रेटेड कद्दूकस की जो रखी थी हमने वो डाल दी है। अब इसमें हमने जो ओरिगैनो हमने लिया था वो डाल दिया है, बेसिल ड्राइड बेसिल लिया था, हर्ब्स है ये, चिली फ्लेक्स डाल दिया, ये इजीली किसी भी मार्केट में सुपर मार्केट में मिल जाते हैं, बहुत ही इजीली मिल जाते हैं ये ड्राइड जो हर्ब्स कॉर्नर होता है, आप उसमें जाके इसको ले सकते हैं, खरीद सकते हैं वहाँ से। अब इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो हमारा जो मिक्सचर है तैयार है। अब इसके अंदर हल्का सा हम काली मिर्च के पाउडर डाल देंगे, ब्लैक पेपर जिसे कहते हैं, बस 1 pinch ही करी। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर हम जो हमने ब्लैक सॉल्ट लिया था, काला नमक, वो हम डाल देंगे, तो हमारी जो मिश्रण है तैयार है। अब हम ब्रेड ले लेंगे, ब्रेड के ऊपर हम जो हमारा टोमेटो केचप था वो लगा देंगे, इवनली आप अच्छे से इसको स्प्रेड कीजिए। अब इसके ऊपर जो हमने सब्जियों का मिक्स बनाया था वो हम डाल देंगे अच्छे से, आप इसको बिना सब्जियों के भी बना सकते हैं, पर एक बहाना होता है सब्जी खिलाने का बच्चों को, तो इससे टेस्टी बहाना कोई हो नहीं सकता, तो आप ज़रूर सब्जियां भी डालिए, इट्स गुड फॉर हेल्थ। और चीज़ जो हमने ली थी वो काफ़ी हद तक आप भरे, इसको अच्छे से ऊपर स्प्रेड कीजिए, क्योंकि चीज़ से ही हमारे जो पिज्ज़ा वाली जो लेयर्स होती हैं वो आएंगे, तो आप ध्यान रखिएगा चीज़ आप ऊपर अच्छे से डालें। एंड चीज़ भी बहुत अच्छी होती है, रिच इन प्रोटीन होती है, तो एक बहुत ही हेल्दी डाइट है। अब इसके अंदर हम ओरिगैनो जो हमने लिया था हल्का सा वो डाल देंगे 1 pinch की करी, और बेसिल जो हमने लिया था ड्राइड बेसिल वो हम डाल देंगे हल्का हल्का ऊपर। अब इसके ऊपर लास्ट स्टेप ये है कि हल्का सा आप चाट मसाला डाल सकते हैं, ऑप्शनल है, घर पे है तो आप डाल सकते हैं, नहीं है तो रहने दीजिए। तो हमारी जो पिज्ज़ा ब्रेड है वो तैयार है तवा पे जाने के लिए। तो अब आधा स्टेप हो गया, अब जल्दी से हमने तवे पे थोड़ा सा बटर लगा दिया था और बहुत ही कम आँच पे हम इसको पकाएंगे। अब इसको आप ढक दें
और मुश्किल से 1 या 2 मिनट लगता है इसको पकने में। और जब आप देखें कि आपकी चीज़ ऐसे मेल्ट होने लगे तो इसका मतलब कि हमारे जो पिज्ज़ा ब्रेड है वो तैयार है। तो हमारी जो चीज़ है वो मेल्ट हो गई है, तो आप हमारे जो पिज्ज़ा ब्रेड है उसको निकाल लीजिए। ध्यान रखिएगा लो फ्लेम कम आँच पे इसको पकाना है, वरना आपकी ब्रेड जल जाएगी। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि आप कम आँच पे इसको पकाएं। तो हमारी जो यम्मी चीज़ी ब्रेड है वो तैयार है, बहुत ही टेस्टी लग रही है, बहुत ही टेस्टी होती है। आप प्लीज़ इसको घर पे ट्राई कीजिए। आप देख सकते हैं कि ब्रेड का जो क्रस्ट है वो कितना क्रिस्पी है और गोल्डन ब्राउन कोटिंग है। ये बहुत ही क्रिस्पी लगता है जब हम खाते हैं इसको, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो मुझे पता है कि आपके मुंह में ऑलरेडी पानी आ रहा है, तो प्लीज़ इस डिश को घर पे ट्राई कीजिए। चाहे तो आप इसको बीच में से काट सकते हैं, वरना रहने दीजिए इसको ऐसे ही, और गेस्ट के सामने सर्व करें तो आप इसको बीच में से काट सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारी यम्मी ब्रेड पिज्ज़ा की क्रिस्पी और टेस्टी चीज़ी जो हमारी रेसिपी है वो तैयार है। और आप इसको टिफ़िन में दे सकते हैं, आप स्नैक्स की तरह शाम को खा सकते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं। चीज़ बहुत अच्छा होता है प्रोटीन के लिए, किक्सा करने के दिन को इससे बेहतर कोई ब्रेकफास्ट नहीं हो सकता। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ये डिश अच्छी लगी, और आप कोई डिश सजेस्ट करना चाहते हैं नीचे कमेंट कीजिए। एंड हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।